আচ্ছা, আমি ক্লাস ক্লাস আজকাল আমার আর্ট অফ ডে সলভ আর এটা সলভ করতে হবে সিচুয়েশনে আমি তো প্রবলেম ওই কি এস এর ও বেস কি রিলেশন সেটা যে এস এর ও বেস অফ সিলেক্ট স্পেসিফিক ইউটিলাইজেশন এর ইস আমল কে বাদ জো আমার কাছে প্রোডাক্ট নাম দেয় এটা ইস কল সলভ ইস কম টু দ্য টেক্সট salt beta salt I just I need generally formed by neutralization of acid and base the p acid is created this process from neutralization get me for this me my district go form salt salt basically ion compound I need compound of this and ion salt beta salt the pehla portion nishan ke time mein the second portion ion in ion hota hai ye mark it padhenge this beta salt are made up of positive ion that is called cation and negative ion that is called anion. With a cation is a metallic ion derived from base. A basic type of that is the answer of basic radical we get name. Therefore it is called basic radical. Is it am a come episode the acidic radical? Acidic radical am episode. Kaun se hote hain wo anion se hote hain. Kyunki ye acid se type kiya hai. While anion is derived from an acid, therefore it is called acidic radical. But अभी तक ये आपने तीन terms हैं इनको याद करने that is एक acidic radical, second is basic radical और what is salt definition है. तो ये तीनों चीज़ आपने वहाँ से करनी कुछ उसने बता रहा है कि salt हमारे पास चार जैसे तीन हैं salt name देखने फिर अब पहला जो part होता है हमारे पास salt का वो होता है metal जो कि पॉजिटिव फ्रॉम के टाइम्स के सेकंड जो पोर्शन हमारे पास ये इस से बन गया तो ये सब जो है सोडियम को हमने रेट करवा इस के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड इसी तरह पोटेशियम को हम रेट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ सॉल्ट में बस बनना होता है पोटेशियम नाइट्राइड पोटेशियम का पहला पोर्शन के टाइम से पोर्शन इन इसी तरह मेटल को अगर एक तो है इसके साथ तो हमारे पास जिंक और सिल्वरिक एसिड इससे सॉल्ट हमारे पास बनेगा जिंक सल्फाइड कैल्शियम को रखते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो है कैल्शियम फॉस्फेट लास्ट हमारे पास जो मेटल है वो सिल्वर सिल्वर को हमने रखते हुआ एसिडिक एसिड के साथ सी एच थ्री सी डबल ओ एच और सॉल्ट हमारे पास बनेगा सिल्वर एसिडिक फिर इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ये अपने बड़े स्तर याद करने बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सॉल्ट की पहली कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड फाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म जो हमें पास क्रिस्टलाइन फॉर्म पर नंबर टू दे हैव हाईली मेल्टिंग एंड वॉलिफाइड जो सॉल्ट होते हैं इसका मेल्टिंग और वॉलिफाइड दोनों हाई होते हैं पॉइंट नंबर थ्री मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फॉर्मूला बेटा यहाँ पे उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है कि अगर सॉल्ट के साथ वाटर ऐड किया जाए तो हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं क्योंकि उसके क्रिस्टल्स को उसकी शेप को मेंटेन करते हैं तो वो हर सॉल्ट के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर होती है फॉर एग्जाम्पल पहले देखे हमारे पास पहले एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है हमारे CuSO4.5H2 आप देखें यहाँ पे फाइव मॉलिक्यूल है वाटर के और ये फिक्स रहेंगे इसके साथ यहाँ सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम फास्फेट की कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला CaSO4H2 अब बेटा पॉइंट नंबर फाइव देखें तो प्रॉपर्टी नंबर फाइव सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड जो सॉल्ट होती है ये न्यूट्रल कंपाउंड है ऑल्दो दे डू नॉट हैव equal number of positive and negative ions. This point of condition can be salts neutral compound hai because ye equal number of cation or anion se milkar bante hain. Kehte but have equal number of positive and negative charges. Matlab usme positive aur charge and negative charges total number equal hote hain. Total charges equal hote hain. Lekin uske positive aur negative ions ke number hona barabar
जरूरी नहीं है बेटा। ये थे हमारे आज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्ट्स की। हमने देखा सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल है वो क्या होता है, हमने देखा सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, इसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। क्या आज आपने अच्छे टॉपिक कर लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।